या हमें प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें पता करना है कोई जो नंबर जो हम इंटर कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो सबसे पहले हेडर इंक्लूड करते हैं हैज इंक्लूड, सॉरी हैज इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब int name ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, अब ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले नंबर लेना है, फ्लोट में ले लेते हैं फ्लोट n, ठीक है। अब इसको इनपुट लेने के लिए, नंबर को इनपुट लेने के लिए पहले प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट f इंटर एनी नंबर स्लैश एन। ठीक है, अब इसको स्कैन करवाते हैं, स्कैन एफ फ्लोट में लिए हुए इसलिए परसेंट एफ होगा, कॉमा एंड एन। अब कंपेयर करते हैं इफ ग्रेटर देन 0, एन ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, एन 0 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा। इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, अब एल्स इफ ज्यादा नहीं होता है इनसे तो फिर कम का चेक करते हैं, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। प्रिंट नंबर इज नेगेटिव, अब अगर नंबर ना एन से ज्यादा 0 से ज्यादा है ना 0 से कम है तो आप चेक करते हैं, एल्स इफ एन इक्वल टू 0, अगर एन इक्वल टू 0 है तो प्रिंट करवा देते हैं, नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, उसके बाद आई एन टी मेन फ्लोट एन नंबर के लिए ले लिए, फिर इसको इनपुट लेने के पहले प्रिंट करवाए हैं इंटर एनी नंबर, फिर उसके बाद उसको स्कैन करवा लिए, उसके बाद कंपेयर कर रहे हैं, अगर 0 से ज़्यादा है तो नंबर इज पॉजिटिव, अगर 0 से कम है तो नंबर इज नेगेटिव, अगर 0 के बराबर है तो नंबर इज इक्वल टू 0। अब इसको रन करवाते हैं, ठीक है, 4 पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव है, -2 नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ गया, 0 0 आ गया। ठीक है,